दोस्तों एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं खजूर के औषधीय फायदों के बारे में। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं। खजूर का पेड़ 30 से 40 फीट तक लंबा होता है। इसका तना शाखाविहीन होता है, कठोर होता है, गोलाकार और खुरदरा होता है। इसकी उपज ज्यादातर रेगिस्तान में कम पानी वाली जगहों पर होती है और जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पर भी खजूर की उपज होती है। खजूर नारियल के पेड़ के समान ऊपरी भाग में पत्तों के नीचे लगते हैं। कच्चे खजूर हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद भूरे और चिपचिपे हो जाते हैं। खजूर में विटामिन, प्रोटीन, रेशे, कार्बोहाइड्रेट और शुगर काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो कि शरीर के लिए एक संपूर्ण आहार होता है। इसलिए अक्सर लोग जो उपवास करते हैं वो खजूर का सेवन करते हैं। उसी के साथ ड्राई फ्रूट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खजूर विटामिन ए से भरपूर होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उसी के साथ रोगी की दुर्बलता को दूर करने के लिए भी खजूर लाभकारी होते हैं। खजूर धातुवर्धक तथा कफ नाशक होते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आपको खजूर से क्या फायदे मिल सकते हैं। खून में लोहे की कमी हो जाने से थकान, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना जैसी तकलीफ होने लगती है। ऐसे में अगर आप 21 दिन तक लगातार 4 से 5 खजूर खाते हैं तो ये दोस्तों शरीर में खून की कमी को कम करता है। पुराने एनीमिया में दिमाग को खून की आपूर्ति कम होती है, यानी कि जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो दिमाग को पूरा खून नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भूल जाना, चक्कर आना, अवसाद आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आप 6 महीने तक आहार में 7 से 8 खजूर लेते हैं तो इससे दोस्तों ये समस्या दूर हो जाती है। खजूर का सेवन गठिया में भी लाभकारी होता है। गठिया की समस्या होने पर 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच गाय का घी और 1 चम्मच खजूर का पाउडर डालकर इस दूध का अगर आप सेवन करते हैं तो गठिया में दोस्तों आपको लाभ होता है। अगर महिलाओं के पैर दर्द, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, ऐसा दर्द उठता है तो उसमें दोस्तों खजूर बहुत ही गुणकारी होता है। ऐसे में 5 खजूर आधा चम्मच मेथी के साथ 2 गिलास पानी में उबालकर आधा रह जाने तक उबालना है, उसके बाद इसे गुनगुना करके सेवन करना है। इससे दोस्तों पैरों का दर्द, कमर का दर्द और गर्दन के दर्द इत्यादि दोस्तों दूर हो जाते हैं। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो भी दोस्तों खजूर बहुत गुणकारी होता है। अगर सुबह पेट साफ ना होता हो तो 4 से 6 खजूर रात में पानी में भिगोएं और सुबह अच्छी तरह से रगड़कर वो पानी पी लें, यानी कि मसल कर आप उस पानी को पी लें। इससे दोस्तों पेट जल्दी साफ होता है और ये पेट साफ न होने की यानी कि कब्ज की जो बीमारी होती है वो खत्म हो जाती है और पाचन प्रक्रिया में भी दोस्तों सुधार आता है। छोटे बच्चों की अच्छी सेहत के लिए हर रोज 1 खजूर 10 ग्राम चावल के पानी में पीस लें और उसी में थोड़ा सा पानी मिलाकर दिन में 3 बार अगर उनको पिलाते हैं तो दोस्तों इससे लाभ होता है। तो दोस्तों ये थे खजूर के कुछ फायदे। अगर कोई मधुमेह रोगी है दोस्तों तो ध्यान दें, खजूर का सेवन न करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।